Hello everyone and welcome back to my playlist of pathology. We are studying restrictive lung disorders और restrictive lung disorder में we are talking about pneumoconiosis और pneumoconiosis में we are talking about the first category of pneumoconiosis which is coal worker pneumoconiosis. We know that there are so many different types of pneumoconiosis. So for example, we have a category called coal dust pneumoconiosis, then silica से होने वाला pneumoconiosis and asbestos से होने वाला pneumoconiosis and we also discussed in my introductory video के pneumoconiosis में होता क्या है. So in pneumoconiosis just a very quick recap, we have the dust particles, the mineral dust particle entering into the respiratory system, macrophages get activated, because of those macrophages there is inflammation and because of inflammation there is IL-1 release which leads to activation of fibroblast and there is fibrosis of the lung tissue. तो ये general mechanism है pneumoconiosis का. Fibrosis हो रही है, restrictive lung disorder है. अब कोल वर्कर यानी वो लोग जो कोयले की कान में काम करते हैं, सो दोज हु आर वर्किंग इन कोल माइंस. सो वर्ल्ड वाइड डस्ट रिडक्शन इन कोल माइन हैज ग्रेटली रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ कोल डस्ट डिजीजेस बिकॉज अब मेजर्स लिए जाते हैं विद द एडवांस वर्ल्ड. वरना पहले ये होता था भाई आपने कोयले की कान में कोल माइंस में बंदे भेजे, वो खोद रहे हैं और कोल डस्ट उड़ रही है उनके लंग्स में जा रही है, बट अब इसके काफी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं. सो देयर आर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई जिसको हम कहते हैं, मास्क लगा लिए और इस तरह की चीजें जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम सेफ होता है, और देयर आर आल्सो एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज जिससे कोल डस्ट निकलती ही कम है. सो इट्स सम मेजर्स की वजह से अब ये जो कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस इसका इंसिडेंस डाउन हुआ है, राइट. द स्पेक्ट्रम ऑफ द लंग फाइंडिंग इन द कोल वर्कर इज वेरी वाइड रेंजिंग फ्रॉम एसिम्प्टोमेटिक. मैंने आपको एक बात यहाँ पहले भी बताई है जब मैं न्यूमोकोनियोसिस की इंट्रोडक्टरी वीडियो करवा रहा था, अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कोल जो है, कोल डस्ट एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द मिनरल डस्ट, इट इज रिलेटिवली इनर्ट. यानी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कोल डज नॉट कॉजेज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन. फॉर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन टू हैपन देयर हैज टू बी बिग अमाउंट्स ऑफ कोल एंटरिंग इन टू द लंग. सो देयर फॉर अगर शुरू में अभी काम स्टार्ट किया है बंदे ने कोल माइंस में, सो द पर्सन में सिंपली बी एसिम्प्टोमेटिक, कुछ भी नहीं होगा उसको, और देयर विल ओनली बी एंथ्रेकोसिस जिसमें देयर विल बी पिगमेंट डिपॉजिट्स विदाउट एनी सेलुलर रिएक्शन, और देयर फॉर क्लिनिकली एविडेंट नहीं होगा ये सिनेरियो. टू सिंपल कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस इन विच मैक्रोफेजेस एक्यूमुलेट विद लिटिल टू नो पल्मोनरी डिसफंक्शन. तो पहले फेज में सिर्फ पिगमेंट जमा हो रहा है, यानी जो कोल रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर हो रहा है वो जमा होना शुरू हो गया. सेकेंड कैटेगरी, सो दैट वॉज द फर्स्ट कैटेगरी वेयर ओनली पिगमेंटेशन इज हैपनिंग, नो क्लिनिकल सिम्टम. नंबर टू, देयर इज मैक्रोफेज एक्यूमुलेशन. एंड देन नंबर थ्री, कॉम्प्लिकेटेड कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस जहां फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी. वंस द फाइब्रोसिस इज स्टार्ट ऑब्वियसली द लंग फंक्शंस विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड. सो इफ समबडी आस्क यू कि कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस का क्लिनिकल स्पेक्ट्रम क्या है, सो द सिनेरियो नंबर वन कैन बी ओनली पिगमेंटेशन, नो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन. नंबर टू, मैक्रोफेज एक्यूमुलेशन, नो क्लिनिकल और माइल्ड क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स. एंड देन नंबर थ्री विल बी फुल ब्लोन, विच इज वॉट वी कॉल द कॉम्प्लिकेटेड कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस. यहाँ पेशेंट को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होंगे, ऑल यू नो इन लाइन विद व्हाट वी सी इन द रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर्स. ओके, ऑल्दो स्टैटिस्टिक्स वेरी, इट सीम्स दैट लेस देन 10% ऑफ द केसेस ऑफ सिंपल कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस एक्चुअली प्रोग्रेस टू कॉम्प्लिकेटेड और प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस. सो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज कि अगर कोई पेशेंट कोल माइन में काम कर रहा है एंड द पर्सन इवन डेवलप्स अ सिंपल न्यूमोकोनियोसिस कैटेगरी, द चांसेस दैट इट कन्वर्ट्स इनटू फुल ब्लोन सिम्टोमैटिक डिजीज इज वेरी वेरी लो, ओनली 10%. ऑफ नोट, the progressive type of pneumoconiosis which leads to fibrosis, PMF, is a generic term that applies to the confluent fibrosing reaction of the lung. This can be a complication of any of the pneumoconiosis. So, it makes sense. कि जब हम ये word use करते हैं, progressive massive fibrosis. So, word progressive massive fibrosis is not only because of koila. It can be because of silica. It can be because of asbestos. So, any of the mineral dust can lead to PMF. Okay? तो एग्जाम में आपने ये जिद नहीं करनी एग्जामिनर के साथ कि भाई पीएमएफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस में होता है. नहीं बॉस, ऐसा नहीं है, ठीक है. इट्स जस्ट अ फीनोटिपिक एक्सप्लेनेशन. वर्ड देखें ना, वर्ड क्या है, प्रोग्रेसिव
मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है आगे, आज कुछ कल कुछ परसों कुछ, सो प्रोग्रेसिव मैसिव यानी बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस है. सो पीएमएफ कैन बी अ फीचर ऑफ एनी ऑफ द कोल डस्ट. ओके, ऑल्दो कोल इज मेनली कार्बन, कोल माइन डस्ट कंटेन्स वैरायटी ऑफ अदर ट्रेस मेटल्स एज वेल इंक्लूडिंग सम इनऑर्गेनिक मिनरल्स एंड क्रिस्टलाइन सिलिका. द रेशियो ऑफ कार्बन टू द अदर केमिकल ऑब्वियसली यू नो मे डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंस, बट अल्टीमेटली अगर यू नो डिफरेंट आर्किटेक्चर है, यानी कहने का पर्पज ये है कि अगर सिर्फ कार्बन या कोल के डस्ट पार्टिकल्स हैं तो डिजीज आउटकम डिफरेंट हो सकते हैं. अगर उसमें कंटामिनेटिंग केमिकल्स हैं देन द साइंस एंड सिम्टम्स मे इवन गेट वर्सन. ओके, सो द रेशियो ऑफ कार्बन टू कंटामिनेटिंग केमिकल्स एंड मिनरल्स विच इज वॉट वी कॉल द कोल रैंक. यानी जब हम कोल डस्ट को रैंक करते हैं तो उस पर बात की जाती है कि कोल रैंक क्या है इसका. इज इट सो दिस इज गिवन इन अ रेशियो विच मीन्स कि कार्बन कितना है उस डस्ट में और बाकी मिनरल्स कितने हैं. सो इट इंक्रीजेस फ्रॉम बिटुमिनस टू एंथ्रेसाइट कोल. सो दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोयला. इन जनरल द एंथ्रेसाइट माइनिंग हैज बीन एसोसिएटेड विद अ हायर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेटेड न्यूमोकोनियोसिस. राइट, सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट, आसान भी ये समझ लें इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है. नाउ क्लिनिकली इट बिगिंस एज अ बिनाइन डिसऑर्डर. मैंने आपको बताया ना कि पहले तो ये सिम्टोमेटिक होगा, कुछ भी नहीं होगा, बट देन इट मे लीड टू प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस. राइट, एंड इफ दिस हैपेंस ऑब्वियसली अगर लंग में मैसिव फाइब्रोसिस हो रही है सो लंग function will be affected, so there will be respiratory dysfunction, failure hoga, and there can be dyspnea, there can be, aur jab lung mein fibrosis hoti hai so there is pulmonary hypertension. Us pulmonary hypertension ki wajah se right side of the heart has the tendency to fail which is what we call cor pulmonale. To wo tamam issues shuru ho jayenge jo lung failure ke sath start hote hain. ओके, प्रोग्रेशन फ्रॉम कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस टू या सिंपल न्यूमोकोनियोसिस टू प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस हैज बीन लिंक्ड टू अ वैरायटी ऑफ वेरिएबल्स इंक्लूडिंग हायर कोल डस्ट एक्सपोजर लेवल. यानी एक बंदा है जो दिन रात काम कर रहा है कोल माइन में बहुत लंबे अरसे तक, एंड देन व्हाट इज द डस्ट बर्डन, यानी उस कोल माइन में कितनी मिट्टी उड़ रही है, फिर उसमें जो कोल डस्ट की कॉम्पोजिशन है यानी उसका कोल रैंक क्या है. अगर एंथ्रेसाइट कोल है तो चांसेस ज्यादा हैं डिजीज होने के. राइट, अनफॉर्चुनेटली वंस एस्टैब्लिश्ड द प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस हैज अ टेंडेंसी टू प्रोग्रेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ फर्दर एक्सपोजर. दैट्स अ बैड न्यूज. यानी इफ देयर इज अ पर्सन, बहुत सारी बीमारियां देखें मेडिसिन में ऐसी होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि अच्छा ये एलर्जी हो रही है, एलर्जीन को हटा दें पिक्चर में से, बंदा विल बी फाइन. एक्सपोजर खत्म कर दें, बंदा विल बी फाइन. इवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर आप देखें, अगर आपने किसी को रॉन्ग एबीओ कंपैटिबिलिटी वाला ब्लड लगा दिया है, द फर्स्ट थिंग वी डू वंस द पेशेंट स्टार्ट हैविंग साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मिसमैच, द फर्स्ट थिंग वी डू इज वी स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. उसकी ड्रिप बंद करें भाई. सो बाज़ औक़ात ऐसे होता है मेडिसिन में, बल्कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो रिस्क एक्सपोजर है उसको अगर आप ख़त्म कर दें तो डिजीज़ बेहतर होना शुरू हो जाती है. लेकिन कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस में ऐसा नहीं है. सो इफ़ दिस इज़ अ पर्सन हु हैज़ बीन वर्किंग इन द कोल डस्ट इंडस्ट्री, कोल माइंस में, कोल इंडस्ट्री में फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, एंड नाउ ही हैज़ ऑलरेडी डेवलप the PMF signs and symptoms, progressive massive fibrosis. अब आप इसको कहें कि भाई आराम करो, ये नौकरी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. PMF will still progress to respiratory failure. Very, very important point. After taking smoking related risk into account, there is no increased frequency of lung carcinoma in coal mine. So this is kind of a good news. जैसे asbestos की जब मैं आपसे बात करूंगा तो asbestos में I will tell you कि it is associated with increased risk of cancer. But coal workers में coal related pneumoconiosis से कैंसर का रिस्क इंक्रीज एटलीस्ट नहीं होता. ओके, द डिजीज कैन ऑब्वियसली द पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है प्रोग्रेसिव है, मैसिव है. अगर ये सेटल हो जाती है तो रेस्पिरेटरी फेलियर तो हो सकता है, कॉर पल्मोनेल हो सकता है, डिस्निया हो सकता है, बट कैंसर के चांसेस नहीं बढ़ते. सो दैट्स व्हाट द डेटा शो. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट आवर अंडरस्टैंडिंग related to coal workers pneumoconiosis. In the next video we'll obviously talk about pneumoconiosis which is associated with silica, so silicosis coming up next.